यूक्रेन में फंसी चेल्सी राठौर रविवार को अपने घर सही सलामत वापस लौट आई हैं। और अब चेल्सी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहा है। चेल्सी के पिता मनोज राठौर का कहना है कि वह बहुत परेशान हो रहे थे उनकी बच्ची को लेकर, लेकिन जब खबर आई कि उनके बच्चे को भारत सरकार की ओर से सही सलामत लाया जा रहा है तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। और फिर अपनी बेटी को देख पिता ने सारे दुख और परेशानियों को भूल गए। मैं चेल्सी राठौर, मैं 2019 में बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS करने के लिए गई थी और फिलहाल में मैं थर्ड ईयर में हूँ। और जैसा कि आप सबने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर की चर्चा चली रही है और रशिया ने अपना पहला अटैक हमारे यूक्रेन के कैपिटल कीव में किया। वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट पे सबसे पहला टारगेट किया जिसकी वजह से हम लोग वापस नहीं आ सकते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन के साथ मीटिंग रख के हमारे वैकेशन के लिए बात की कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी ने इस चीज़ के लिए हमारे लिए अश्योरिटी दी कि तुम जहाँ भी जाओगे अपना फ्लैग लगा के जाओ, इंडियन फ्लैग लगा के जाओगे। तुम अगर झंडा लगाओगे अपना तिरंगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, इंडियन फ्लैग इंडियन स्टूडेंट्स पहचाने जाएंगे इस चीज से। तो हमें वहां से फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया बॉर्डर से ले जाया गया। रोमानिया बॉर्डर से फिर हमें मुंबई उतारा गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुंबई से लेके हमें घर तक सेफली पहुंचाया गया बिना किसी प्रॉब्लम के। खाना पीना सब कुछ हमें प्रॉपर दिया गया। और इस चीज़ के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। और हम सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से सेफली घर पहुँच चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग वहाँ पर बाकी रह गए हैं वो लोग भी सेफली घर पहुँच जाए। मेरी बेटी चेल्सी राठौर यूक्रेन में MBBS पढ़ाई के लिए गई हुई थी। वहाँ पर ये अभी जो युद्ध के कारण सभी छात्र वहाँ पर फंसे हुए थे, मैंने TV पर जब देखा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सभी बच्चों को घर पर वापस अपने देश में लेके आएंगे, तो हमें काफ़ी राहत मिली। मेरे घर परिवार वाले काफ़ी चिंता में थे, हम बड़ी वो लगाए हुए थे कि अब क्या होगा। फिर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो हमें कुछ अच्छा लगा। और उसके बाद में जब उन्हें लाने के लिए बेड़ा उठाया तो सबसे फर्स्ट फ्लाइट में ही मेरी बेटी का नाम आ चुका था। और वहाँ से फिर बॉम्बे और बॉम्बे से फिर घर तक माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर पर भेजा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बेटी के वापस आ जाने के बाद उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। We'll be right back.